नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में देर रात हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 32 लोगों की मौत जबकि 50 से ज्यादा लोग जख्मी। पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने घटना पर जताया दुख। यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीद बढ़ी। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया गांधी ने की अखिलेश से बात, कांग्रेस ने की 103 सीटों की मांग, फॉर्मूले पर अखिलेश भी तैयार। अखिलेश यादव आज जारी करेंगे समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। मुलायम और शिवपाल यादव के समारोह में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और वरुण गांधी का नाम नहीं। तमिलनाडु में आज होगा जल्लीकट्टू का आयोजन। सीएम पन्नीर सेल्वम दिखाएंगे हरी झंडी। अध्यादेश पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने दी मंजूरी। बिना वीजा हांगकांग नहीं जा पाएंगे भारतीय। वीजा मुक्त सुविधा को हांगकांग सरकार ने लिया वापस। चीन के दबाव में लिया गया फैसला। और कोलकाता में आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा तीसरा और आखिरी वनडे। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी कोहली एंड कंपनी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।